चालकता की इकाएं क्या हो, जल्दी उत्तर बताइए सोच के। हाँ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महो। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध परिवर्तन को कौन परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तापमान गुणांक। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चल कुंडली वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन पाते हैं। सुनहरी परिपथ का क्या उपयोग है, जल्दी इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परिपथ में फ्यूज। अगला क्वेश्चन पाते हैं। 1 ओम से 100 के ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। अगला क्वेश्चन पाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, जल्दी इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओम मीटर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रतिरोध का वर्ग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है तो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोई परिवर्तन नहीं। DC परिपथ में पावर की गणना करने का क्या सूत्र होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा इनटू वोल्टेज। अगला क्वेश्चन पाते हैं। एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होगा, जल्दी इसका उत्तर बताइए सोच के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनफाइनाइट अनंत होगा। चालक की प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या होता है, जल्दी इसका उत्तर बताइए। धारिता की इकाई क्या है, जल्दी इसका उत्तर सोच के बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फेरड। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। प्राचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, जल्दी इसका उत्तर सोच के बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जल। अगला क्वेश्चन पाते हैं। परिनालिका में कुंडली क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दाहिनी हथेली का नियम। प्राचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, जल्दी इसका उत्तर सोच के बताइए 5 सेकंड में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लकड़ी। अगला क्वेश्चन पाते हैं। फ्लक्स घनत्व की SI इकाई क्या है, जल्दी इसका उत्तर सोच के बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टेस्ला। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइटिक टाइटलम प्रकार। इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यह कार्य नहीं करेगा। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, जल्दी इसका उत्तर सोच के बताइए।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वायु। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा? जल्दी इसका उत्तर सोच के बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बढ़ेगा। हेलो दोस्तों, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।